से इंसान ही नहीं खेत में खड़ी फसल तक परेशान है। कपकपा देने वाली ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड खेत में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रही है। किसानों के चेहरे पर खिंची चिंता की लकीरें साफ बता रही हैं कि इस बार ठंड किसानों को बर्बाद करके दम लेगी। ठंड से पूरा राजस्थान कांप रहा है, शहर दर शहर कोहरे की चादर है। इंसानों के साथ ठंड का कहर फसलों पर भी टूट रहा है। सादुल शहर इलाके में पड़ रही कड़ाके की ठंड अन्नदाताओं की मेहनत पर भारी पड़ने लगी है। खेतों में खड़ी फसलें पाले से पीली पड़ने लगी हैं। एक तरफ सूखी सर्दी से सरसों और चने की फसल में बढ़वार रुकने का खतरा बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ किन्नू की फसल में ड्रॉपिंग हो रही है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। किसान शिव प्रकाश सहरण कहते हैं कि इस बार सर्दी पिछले साल के मुकाबले 20 दिन पहले आ गई है। सुबह सुबह फसलों पर बर्फ की सफेद चादर में जाती है, जिससे सरसों की फसल की फलियों के दाने कमजोर पड़ रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि किन्नू के पौधों में भी पाला जम जाता है, जिससे पौधों में कैर पड़ जाती है और फल ड्रॉप होने लग जाते हैं। इसके ऊपर जी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। सुबह सुबह जो ठंड दमती है पत्तियों पे, सूखा, उसकी वजह से पत्ते पीले होंगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान है जी इसका। सरसों और किन्नू के साथ साथ गेहूं की फसल को भी पाले की मार से खतरा है। गेहूं की फसल के लिए धुंध फायदेमंद रहती है, लेकिन इस बार धुंध कभी कभार ही छाई है, जिससे गेहूं की फसल पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बचाव वगैरह तो जी सिर्फ बादलवाई हो जाए या बारिश हो जाए या धुंध स्टार्ट हो जाए तो बचाव है, सूखा पड़ेगा तो कोई बचाव नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले गर्मी ज्यादा थी और अब सूखी सर्दी पड़ रही है, जिससे सरसों की फसल में बढ़वार रुक गई है और उत्पादन कम होगी। वहीं किन्नू की फसल में सूखी सर्दी से ड्रॉपिंग होने लगी है, जिससे फल में मिठास कम होगी और उत्पादन पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर पाला बरकरार रहता है तो फिर रबी की फसलों का उत्पादन इस बार प्रभावित होना तय है। सरसों की जो फसल थी उसमें पहले गर्मी ज्यादा पड़ी है, गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से उसमें फुटान कम हुआ है, और अब भी जैसे सर्दी पड़ रही है तो उसकी बढ़वार रुकी हुई है, और जो फली आगे बढ़ने का जो उसका सिस्टम है ना, तो फली उसकी बारीक बन रही है और उसका दाना भी बारीक। मौसम की मार झेल रहे किसानों का मानना है कि अगर धुंध शुरू हो जाए या बारिश हो जाए तो उनकी फसल का बचाव हो सकता है, नहीं तो उनको नुकसान होना लाजमी है। गेहूं की फसल पर जो ये सर्दी पड़ रही है इससे काफी नुकसान है, और अगर बारिश हो जाए या कोई बादलवाई हो जाए तो इससे हमारे को बहुत फायदा होगा, वरना बहुत भयंकर नुकसान है इससे। किसान हर मौसम में परेशान रहता है, इस बार सर्दी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रही है। इससे निजात पाने के लिए किसान भगवान से दया की दुआ मांग रहे हैं, साथ ही जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है वो सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। कुलदीप कोल, जी मीडिया, श्रीगंगानगर।